हमजा शहबाज की रहायश गाह के बाहर कायम रुकावटें हटाई जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। आईजी पंजाब और सीसीपीओ से अमल दरामद की रिपोर्ट 25 सितंबर तक तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रवैये के खिलाफ सरकारी वकला की सेशन कोर्ट में कलम छोड़ हड़ताल, वकला का अदालतों का बायकॉट, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फौरी तब्दील करने का मुतालिबा। ठेकेदारी निजाम नामंजूर, पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज, सर्विसेज हस्पताल में मेडिकल स्टाफ की हड़ताल, काम छोड़ दिया, मुस्तकिल करने का मुतालिबा, एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किल। फरखाना बीबी की बाजियाबी से मुतालिक केस सीसीपीओ बीए नासिर अदालत में पेश, खातून की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी, अदालत ने सीसीपीओ को खातून की बाजियाबी के लिए एक माह की मोहलत दे दी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का आउटफॉल रोड पर सेवरेज वाटर से पोलियो की निशानदही का नोटिस, डीजी हेल्थ को हसास इलाकों पर खसूसी तवज्जो देने की हदायत, शहरी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की शहरियों से अपील। बाना मंडी में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया, खातून जहां भाग शोहर जख्मी, बस ड्राइवर फरार, पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। वादी सवात में जाने वाले मौत की वादी में चले गए, सवात हादसे में जहां भाग 5 अफराद आहू और सिस्कियों में सुपुर्दखाक, वर्षा धाड़े मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत, हादसे में जहां भाग उमैर न्यास की नमाज जनाजा आज सुबह समनाबाद में अदा की गई, तदफीन कर दी। और पुलिस डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम, शादबाग में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, डाकू शहरी से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार, सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर।